गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज एज वी नो वेरी अवेयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ इट इज वी आर स्टडिंग विथ आर्टिकल वाइज अबाउट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। We are studying Article 3. What is the provision of Article 3 in our Indian Constitution? Article 3 provisions are clearly mentioned that formation of a new states. What is elaborating about it? Formation of new states and alteration of areas. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैसे बनेगा और अल्टरेशन ऑफ एरिया और जो एरिया होंगे उसमें चेंजिंग कैसे किया जाएगा। बाउंड्रीज जो एरिया है और जो बाउंड्री है उसकी एरिया इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट, बाउंड्रीज आउटर पार्ट एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स और जो नाम है पर्टिकुलर स्टेट का उसमें क्या किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रोविजन है। व्हाट इज द स्पेशल प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो देयर इज नो एनी स्पेशल प्रोविजन एंड व्हेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 368 the amendment procedure there. So if under this article under 368 articles parliament already empowered, they can make all the amendments under this article. So parliament is empowered to do for each and everything amendments इन सर्टेन थिंग्स। सो पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट में बाई लॉ इन क्लास ए पार्लियामेंट फॉर्म अ न्यू स्टेट, फॉर्म अ न्यू स्टेट दैट मीन्स पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक नया स्टेट बना सकती है बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी जो स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उस स्टेट से सेपरेट करके क्या कर सकती है, अलग स्टेट बना सकती है, फॉर्मर न्यू स्टेट, नए राज्य बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी स्टेट से जो टेरिटरी है इसका मतलब यह है कि कोई नया स्टेट बना सकती है और जो टेरिटरी है उसको भी स्टेट बना सकती है और कोई जो स्टेट है कंप्लीट स्टेट उसको दो भागों में कर भी सकती है। यानी जैसे अभी क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर था तो उसमें क्या कर दिया गया, जो लद्दाख का एरिया था तो लद्दाख को यूटी बना दिया गया और जे एंड के को भी यूटी बना दिया गया। तो किसके द्वारा किया गया, इसी आर्टिकल 3 के द्वारा किया गया, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू आर मोर स्टेट्स या दो या से अधिक जो राज्य हैं उनको एक में कर सकती है, आर पार्ट्स ऑफ स्टेट और या तो किसी राज्य का जो पार्ट है उसको भी अलग करके स्टेट बना सकती है या इसको यूटी बना सकती है, आर बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू बी पार्ट ऑफ और क्या कर सकती है, जो यूनियन टेरिटरी है उसको या कंप्लीट स्टेट भी बना सकती है और दो यूटी को मिलाकर के स्टेट बना सकती है। यानी चाहे कंप्लीट स्टेट बनाना हो, चाहे कंप्लीट स्टेट में से यूटी अलग करना हो और कंप्लीट स्टेट में से दो यूटी बनाना हो और दो यूटी को मिलाकर के एक स्टेट बनाना हो या
कोई नया राज्य की स्थापना करना हो। एंड क्लास बी, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जो किसी स्टेट का पर्टिकुलर एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे संभव है? पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि जो एरिया हम आगे जाएंगे वो किसी और स्टेट का है, तो ये कैसे संभव है? जब इस तरह का कोई कार्य करना होगा संसद को, तो तब तक कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति की सहमत नहीं होगी, यानी राष्ट्रपति की इच्छा से ही इस प्रकार का बिल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा कब करते हैं? जब जिस राज्य का एरिया प्रभावित हो रहा है या जिस राज्य में चेंज किया जाना है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी आप इसको कह सकते हैं जो लॉ मेकिंग एजेंसी है, विधानमंडल है, वहाँ पर क्या होगा? उससे संबंधित पारित होगा कानून, यानी वह सहमत होगा, वो स्टेट सहमत होगा वहां से, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति को भेजता है। फिर राष्ट्रपति ऐसा करवाते हैं कि उस संबंधित बिल को कहाँ प्रेजेंट करवाते हैं? पार्लियामेंट हाउस में। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी स्टेट का जो एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अब जाहिर सी बात है जब किसी स्टेट के एरिया को लेंगे तो अगले स्टेट के एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी यह क्या किया जा सकता है? इसके द्वारा किसी राज्य के एरिया को कम किया जा सकता है। डी में क्या है? अल्टर द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जाहिर सी बात है कि चाहे हम किसी एरिया को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, दोनों स्थितियों में क्या होगा? परिवर्तन होगा, चेंजिंग आएगा। तो ये सारे प्रोविजन आर्टिकल 3 के क्लास ए बी सी डी में दिया गया है कि किस तरीके से राज्य के बारे में संसद कानून बना सकती है। उसके बाद क्या है, क्या प्रोविजन? जैसा कि मैंने बताया, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट की सहमत से ऐसा बिल, इस प्रकार का बिल पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, इस समय प्रेसिडेंट कौन है? ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्या है? ये हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हेड ऑफ द स्टेट की सहमति से ही आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ऐसा होगा कब? जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा, चाहे उसकी सीमा बढ़े और चाहे उसकी सीमा घटे, चाहे एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जाए, चाहे अलग यूटी किया जाए, चाहे दो यूटी को मिलाकर के एक स्टेट, कंप्लीट स्टेट बनाया जाए, तो वहां की जो विधानमंडल है, जो विधानसभा है, वहां से ऐसा इस प्रकार का बिल पारित होगा और राज्य सहमत हो, फिर वह प्रेसिडेंट को भेजता है इस प्रकार का परिपत्र, सर्कुलर, उसके बाद विधेयक, प्रेसिडेंट ऐसा करवाता है। तो प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। और चूंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, वी हैव ऑलरेडी गवर्न बाई
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है उसमें कौन कौन शामिल होता है, यानी लेजिस्लेटिव में क्या है, पार्लियामेंट है। लेजिस्लेटिव में कौन हमारी, पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में कौन है, हमारे दो हाउस है, अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा, अपर हाउस, अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ द स्टेट जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा ये उच्च सदन है। सेकेंड लोअर हाउस, लोअर हाउस जो हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल इसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, लोकसभा, लोकसभा यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट के पार्ट है। इसीलिए आर्टिकल 3 में प्रोविजन है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी इसके रिलेटिंग, इसे रिलेटेड कोई भी रूल बनेगा तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ, यानी कौन काम करेगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ये बनाएगी। तो पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है, ये शामिल, इसीलिए बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से स्टेट में